दिल्ली के गांव बीबीपुर जाटान में कई एकड़ गेहूं के खेतों व फानों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। मिली जानकारी के अनुसार बीबीपुर जाटान में किसान सुरेश पंडित के खेतों में आग लग गई, जिससे उसके लगभग 3 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर तबाह हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित किसान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उसका पड़ोसी जब अपनी कटी हुई गेहूं के फानों को लगा रहा था तो एकाएक तेज हवा चलने से आग ने उसके खेतों में कटने को तैयार खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसके 3 एकड़ की फसल जलकर तबाह हो गई। उन्होंने बताया कि उसका लगभग 2 लाख रुपयों का नुकसान हो गया है। किसान ने बताया कि आग ने उसके खेतों के साथ लगते लगभग 10-12 एकड़ के फानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे वो भी जलकर राख हो गए। इस आग से एक किसान के 2 कूप भी आधे जलकर राख हो गए हैं। पास लगते गन्ने के खेतों को भी नुकसान हुआ है। वहीं फायर कर्मचारी महिंदर ने बताया कि उन्हें फोन पर आग लगने की सूचना मिली थी। जब हम लोग एक छोटी फायर गाड़ी के साथ मौके पर पहुंचे तो उस समय तक गेहूं की सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि इस आग को काबू पाने में 5 गाड़ियों की मदद ली गई, जिससे में 3 गाड़ियां करनाल व नीलोखेड़ी से मंगवाई गई थी। महिंदर ने कहा कि यदि समय रहते आग पर काबू ना पाया जाता तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। आग पे काबू कर लिया गया? हाँ, आग पे पूरी तरह से अब काबू है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम बिल्कुल आग शांत है, आग से किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ओनली माल का नुकसान हुआ, जिसमें 3 एकड़ सुरेश कुमार गांव समोरा के हैं, जिनके वो 3 एकड़ गेहूं की खड़ी हुई फसल जली, वो भी फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले जले जी, आते ही तकरीबन कंट्रोल कर लिया गया था। कहाँ से सूचना मिली थी भैया ये सूचना? जी गांव बीबी पर से ही किसी ने फोन पे सूचना दी लैंडलाइन पे, और हम तुरंत यहाँ पे पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी छोटी गाड़ी लेके पहले पहुंची जी, उसके बाद बड़ी गाड़ियाँ आई और तुरंत ही आग पे कंट्रोल कर लिया। कितनी गाड़ियाँ टोटल आई? गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ यहाँ पे पहुंची, एक छोटी गाड़ी और 4 वाटर बाउजर थे, जिन्होंने तुरंत प्रभाव से आके आग को कंट्रोल किया। हमने बीपर के पास 3 किले ठेके पे लिए हुए थे और उनमें कणक खड़ी हुई थी, और हमारे एक पड़ोसी हैं बीपर के ही हैं, बीपुर जटान के, और उन्होंने अपने फन्ने में आधे किले में आग लगाई थी, जिसके कारण हमारे खेतों में आग चली गई है। और जैसे उसे आग काबू नहीं हुई, वो अपना छोड़ के भाग गया। उस कारण जी 3 किले तो हमारे जल गए जी, और आधा पौना किला इक्का, 10-15 किले फन हो गए जी, जिन्हें मतलब भूस नहीं बना था, और 2 कूप हैं जी जिसमें 5-5-6-6 किलो का भूस है, जिसमें से आधा बच गया, आधा जल गया जी। आग लगाने वाले का नाम है जी रवि है जी। हाँ जी, वो गांव से किसी ने लैंडलाइन से सूचना दीबीपुर से, इतना हम गांव से आए, हमने छत के ऊपर से देखा भी आग लगी है, तो हमने आके देखा हमारी खेतों से शुरुआत हुई थी, तो फायर ब्रिगेड जल्दी आ गए थे, तो इन्होंने इस पर कंट्रोल कर लिया और अब बिल्कुल शांत है। कितनी गाड़ियाँ आई फायर ब्रिगेड? ये 4-5 गाड़ी आई थी जी, एक छोटी थी, 4 बड़ी थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.